श्री राहुल गांधी जी ने जो लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया है, इसका सारा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को जाता है। यूपी के सरकार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लगातार 10 बरस देश में शासन में रही है, लेकिन तब राहुल गांधी जी कश्मीर में लाल चौक पर झंडा नहीं फहरा सके। लेकिन राहुल गांधी, मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि आप इतनी शांति से तिरंगा लहरा पाए, हुआ कैसे? अमन शांति और भाईचारे के बीच श्री राहुल गांधी जी को भी मौका लगा कि वो कश्मीर घाटी के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराएं। और आपकी सरकार थी 10 साल, तो कश्मीर में क्या था? आतंकवाद, खौफ और हमारे कश्मीरी पंडितों और निर्दोष लोगों की हत्या। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर झंडा फहराया, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर टूट पड़ी। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने लाल चौक पर झंडा फहराया, इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जाता है। साथ ही कश्मीर में जो अमन और शांति है वो बीजेपी की बदौलत है। 70 साल बाद कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी खानदान के किसी नेता को याद आई कि श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना है? श्री राहुल गांधी जी ने जो लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया है, इसका सारा श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब को जाता है। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर की जनता के हित में श्री नरेंद्र मोदी साहब ने काम किए हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके दर्द को श्री नरेंद्र मोदी साहब ने समझा और जम्मू कश्मीर की जनता का भला मोदी साहब ने किया, ये उसी का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में अमन शांति और भाईचारा है। और उसी अमन शांति और भाईचारे के बीच श्री राहुल गांधी जी को भी मौका लगा कि वो कश्मीर घाटी के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराएं। यूपी के सरकार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लगातार 10 बरस देश में शासन में रही है, लेकिन तब राहुल गांधी जी कश्मीर में लाल चौक पर झंडा नहीं फहरा सके थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है और कानून का राज स्थापित हो पाया है जम्मू और कश्मीर में। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जिस ढंग से उन्होंने धारा 370 समाप्त करके जम्मू कश्मीर के लोगों को आम जरूरतें जो उनके मौलिक अधिकार थे उनको देकर के देश की मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया है, और आज कांग्रेस पार्टी को महसूस हो रहा होगा कि इस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में कानून का राज स्थापित किया है और कश्मीर के लोगों को हक और हुकूक प्रदान किए हैं। राहुल गांधी ने आज श्रीनगर में लाल चौक पे तिरंगा लहराया है, अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी, मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि आप इतनी शांति से तिरंगा लहरा पाए, हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिम्मत दिखाई, धारा 370 समाप्त हुई, इसी कारण आतंकवादी शांत हैं।